जय श्री राम। क्या आपको पता है, सूर्पणखा अपने ही भाई रावण की मृत्यु चाहती थी। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण की अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। रावण की बहन थी शूर्पणखा, जिसकी लक्ष्मण ने नाक काट दी और इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने मां सीता का हरण किया था। ये कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना से काफी समय पहले शूर्पणखा ने रावण को शराप दिया था। बात तब की है जब रावण का विश्व विजय अभियान चल रहा था। रावण दुनिया भर के राजाओं को मारकर उनके राज्य हथिया लेना चाहता था। इस दौरान वो कालकीय राज्य भी गया, जहां के सेनापति विद्युत जिह्वा से शूर्पणखा की शादी हुई थी। रावण जानता था कि विद्युत जिह्वा उसकी बहन का पति है, लेकिन घमंड और गुस्से में अंधे होकर उसने कालकीय के राजा के साथ विद्युत जिह्वा का भी वध कर दिया था। ये बात जब शूर्पणखा तक पहुंची तब वो क्रोध से आग बबूला हो उठी। उसने ऐलान किया कि रावण के विनाश का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद बनेगी। रावण का राजपाट, उसका गुरूर और उसकी ताकत सब मिट्टी में मिल जाएगी और इस सब का कारण उसकी बहन होगी। और जैसा हम सब जानते हैं, राम को वनवास मिलने से शूर्पणखा की ये इच्छा पूरी हो गई। कैसी लगी आपको रामायण की ये कहानी, बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर @redfmpodcast पर DM कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।